इसीलिए से जरूरी है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि आज का यूथ जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको समझना होगा कि ये इस बिजनेस में आइए, इसको पहचानिए कि ये बिजनेस है क्या चीज। अगर इस बिजनेस को पहचान लिया तो आपको यही लगेगा कि जॉब में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें आज 8 से 10 घंटे काम करना होता है और हमारी सैलरी जो होती है वो मतलब गिनती की होती है। और इसमें अगर शानदार काम किया, ईमानदारी से काम किया जाए तो एक अच्छा बिजनेस है, हमें बहुत आगे ले जा सकता है। तो इसीलिए से आज के जो नए बच्चे हैं उनको जरूर से जरूर इसको समझना चाहिए। और ये दुनिया का एक समझ लो 7 अजूबे हैं, तो आठवां अजूबा है, एक लगा के चलो कि एक आठवां अजूबा हमारे देश का, हमारी दुनिया का है, और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और जितना कि जैसे कि सर ने बोला कि हमने तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, हम मतलब हिंदी इंग्लिश का ज्ञान नहीं था और हिंदी हमने पढ़ा था, और जो हमें लोग सुनते हैं 2000 4000 लोग हमें बिना पलक झपकाए हमें सुन रहे हैं, तो एक बिजनेस एक इतना शानदार है कि मतलब हमें लोग सुन रहे हैं। हमें ये नहीं है कि हमें पढ़ाई है और हमें डिग्री की जरूरत है, हमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ये हमारा बिजनेस कोई डिग्री मांग नहीं करता, हमें खाली ज्ञान होना चाहिए, चाहे तो वो पढ़ाई जितनी भी किया हो उससे कोई लेना देना नहीं होता। खाली अगर सिस्टम में हम आए हैं तो इतना एजुकेशन हमारा अच्छा है कि एजुकेशन के जरिए हमें एक एजुकेटेड बना दिया जाता है। तो इसीलिए से हम चाहे कम पढ़े हैं ज्यादा पढ़े हैं, हम इसमें अगर आए हैं, अगर हर मीटिंग में आ रहे हैं, तो हम एक शानदार एजुकेशन हमारे साथ है और हमें कोई पैसा भी नहीं लगता, हमें फ्री में एजुकेशन मिल रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हमें इस बिजनेस को समझना चाहिए। हर एक इंसान जैसे जॉब करता है, 8 10 घंटे का काम करता है तब सैलरी मिलती है, अगर कोई अपनी शॉप चलाता है 8 10 घंटे 12 घंटे काम करता है तब उसे पैसा मिलता है। और हम अगर वो टाइम उसमें यही है कि भाई हमें इतना टाइम देना है तभी हम दुकान खोलेंगे, जब भी पैसा मिलेगा, नौकरी पे जाएंगे जब भी पैसा मिलेगा, और ये बिजनेस हमारा इतना अच्छा है कि हम अगर हम अभी धीरे धीरे करते हैं, फिर हम जैसे हम सीख जाते हैं, हम अच्छा करने लग जाते हैं, हमारी एक टीम तैयार हो जाती है, अगर हम दुनिया में हैं तो भी पैसा, अगर हम दुनिया में चले जाएंगे तो भी पैसा है। तो ये हमें एक बिजनेस एक शानदार पैसे भी इनकम देता है, तो इसलिए हमें करना चाहिए, क्योंकि नौकरी हम जिस दिन से छोड़ देंगे उस दिन से हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा आगे कि हमें आगे कुछ मिलने वाला है। और ये बिजनेस हम जिस दिन छोड़ के जाएंगे तो हमारे बच्चे भी इसमें पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसमें राज कर सकती है, तो इसीलिए से हमें ये बिजनेस समझना चाहिए। और जैसे कोई कहता है कि ऐसी कंपनियां मतलब कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं जैसे लोगों को भड़का देती हैं कि आओ हमारे पास जुड़ जाओ, इतना पैसा लगा दो और तुम्हारा पैसा आता रहेगा, तो ये गलत चीजों में ना आए और हम सही कंपनी का चुनाव करें, क्योंकि पैसा अगर लगाने से पैसा आता तो हमारे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो अपना पैसा लगा सकते थे, उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते थे अगर पैसे से पैसा आ रहा होता। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार इन्वेस्ट किया और पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब कहीं काम करना पड़ेगा, बगैर काम करने तो कहीं से मिलने वाला नहीं है, चाहे तो बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, काम करना पड़ेगा। ऐसे तो कहेंगे तो भगवान कुबेर भी अपने खजाने से नहीं दे सकते बिना काम करने, तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा, तो काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि ये कंपनी हमें सोर्स ऑफ इनकम देती है, वो इनकम हमारी जैसे मल्टीप्लाई करती है, जैसे कि आम के एक गुठली में कई लाख आम पैदा होते हैं, उसी तरीके से अगर हमारी एक टीम बन जाती है और उसी आम के पेड़ के जैसा, जैसे एक पेड़ लगाया तो हमें लाखों करोड़ों आम उसमें से मिलते हैं, फल मिलते हैं, उसी तरीके से हमारी टीम में अगर बन जाती है तो हमें लाखों करोड़ों की इनकम हमारी आनी शुरू हो जाती है। तो ये बिजनेस इसलिए शानदार है। उसी तरह से अगर हमें जैसे कि जो आपने सीखा है वो हमें नीचे वाले को सिखाना है, जैसे ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम अगर हम अपने नीचे वाली टीम को सिखा पाए, ये हमारा कर्तव्य है और ये हमें सिखाना चाहिए अपनी टीम को, जो हमें ज्ञान है वो हमें नीचे, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसे कि हम डुप्लीकेट तैयार करें, अपने लीडर तैयार करें और एक टारगेट के बारे में सबको बताएं कि हमारा ऐसा टारगेट मंथ चल रहा है, तो हम किसी को अपने टारगेट नए व्यक्तियों को पता नहीं होता तो
हम एक दूसरे के बारे में बताएं कि टारगेट क्या है, क्या चल रहा है, कैसे ज्वाइनिंग आएंगी, तो जो भी हमें नॉलेज है वो हम अपने अपने टीम के में शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि पैसा बाय प्रोडक्ट, अपने आप को तैयार कीजिए, जल्दी रिजल्ट अगर ना आए, अगर जैसे हम सोचते हैं ज्वाइन कर लिया तो हम सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे नहीं आ रहा है, रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो सोच लो कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब हम तैयार होंगे, रिजल्ट तभी आएगा जब हम खुद तैयार होंगे, जब हम आगे तैयार कर पाएंगे रिजल्ट तभी आएगा। जैसे कि एक कोयला जब जमीन से निकलता है, जिसे निकालने से मालूम पड़ता है कि जैसे कि वो कितनी कठिनाइयों से निकाला जाता है, जो उस कोयले को निकालता है उसे पता होता है कि इसमें हीरा निकलेगा। तो इसीलिए से उसी तरीके से हमें जो डायरेक्ट सेलर हमें तैयार करने हैं उनमें से एक हीरा छुपा हुआ है। जब हम वो कोयले को तराशते हैं, वो कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, तब उसमें से एक हीरा तैयार होता है। उसी हिसाब से हमें एक नेटवर्क और को, एक डायरेक्ट सेलर को तैयार करना है, उनमें बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं। तो हम अपने टीम में, अपने जो भी हमने ज्वाइन किया है, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ अगर हम नॉलेज शेयर करेंगे तो कल को हमारे हीरे तैयार होंगे। उसी कोयले के जैसे कोयला, हमें कोयला दिखता है पर उसमें हीरा जो छुपा है वो हमें तराशना है। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे हीरे तैयार हो जाएंगे और एक दिन एक अच्छा माहौल बनेगा, हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। और मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि अपना अपना जो भी टारगेट चल रहा है, अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा काम करने का टाइम चल रहा है, कम सोए कम, इसी बिजनेस पे ज्यादा है, इस मंथ का ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि सोना जरूरी नहीं है, पर हम जितना हो सके लोगों से बातचीत करें, मीटिंग्स करें और टारगेट को लेके हम एक्साइटेड रहें, तो हम अपना बिजनेस को अपने ऊंचाई पे ले जा सकेंगे और हमें नए नए लीडर उभर के आएंगे। तो बहुत जरूरी है, मैं यही बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी। और बहुत सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं उनको भी सुनना चाहूंगी। तो दीदी थैंक यू, गुरु जी का थैंक यू, धन्यवाद हमें दिलवाने के लिए, सबके लिए, और सबसे मिली और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ दीदी, थैंक यू और बहुत अच्छा दीदी। लगा।